ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए डीएम एसपी ने लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। यहां प्रमुखी के चुनाव में भाजपा समर्थित प्रत्याशी कुसुमा देवी के लिए मेहनमन विधायक विनय कुमार द्विवेदी व सांसद कीर्तिवर्धन सिंह के समर्थक अपने लाभ लश्कर के साथ डटे हैं। बागी प्रत्याशी के रूप में श्याम बाबू कौशल को कैसरगंज सांसद ब्रजभूषण सरण सिंह ने अपना समर्थन देकर ब्लॉक प्रमुख बनाने का दावा किया है। प्रशासन मतदान स्थल मुजेहना ब्लॉक के मुख्य मार्ग गोडा उतरौला तथा दतौली मनकापुर मार्ग को 100 मीटर पहले से सील कर दिया गया। वहीं चुनाव संपन्न होने के बाद मतगणना शुरू होगी, जिसमें भाजपा समर्थित प्रत्याशी कुसुमा देवी ने जीत दर्ज की। कुसुमा देवी को 52 मत मिले, वहीं विपक्षी को 49 मत प्राप्त हुए। भाजपा समर्थित प्रत्याशी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 3 वोटों से किया पराजित। इस मौके पर भाजपा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह, विधायक विनय कुमार द्विवेदी, मुन्ना भैया सहित भारी संख्या में भाजपा के समर्थक मौजूद रहे। जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। एसपी संतोष कुमार मिश्रा और जिलाधिकारी उज्जवल कुमार ने कहा है कि ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव को पूरी तरह निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराई जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था बैरियर बनाए गए हैं, आउटर बॉर्डर बनाया गया है, इनर बॉर्डर बनाया गया है और हमारे मजिस्ट्रेट और पुलिस पर्याप्त मात्रा में लगाए गए हैं, जिससे कि कहीं से भी कोई भी अशांति वाली व्यवस्था ना होने पाए। शांति व्यवस्था अभी तक बिल्कुल बरकरार है और सबको ये बताया भी जा रहा है कि कोई भी गड़बड़ी फैलाने की अगर कोशिश करेंगे तो इसलिए डीले में चुनाव आज ही मुजहना बस के ब्लॉक के लिए चुनाव संपन्न हुआ है। चुनाव बहुत ही शांतिपूर्वक संपन्न हुआ और इसमें जो विजय प्रत्याशी हैं कुसुमा देवी, उनको भी प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है उस और जो दूसरे नंबर के प्रत्याशी रहे हैं श्याम बाबू, उनको 49 वोट प्राप्त हुए थे और जो विजयी प्रत्याशी हैं कुसुमा देवी, उनको 52 वोट प्राप्त हुए थे। 1 वोट इनडायरेक्ट हुआ था तो टोटल 102 में 52 विजयी प्रत्याशी को मिले हैं और 49 जो है जो सेकेंड नंबर पर। विजयी प्रत्याशी किस पार्टी से हुए, क्योंकि इसमें सपोर्टेड होते हैं, ये किसी चुनाव चिन्ह पे नहीं करते हैं।